नमस्कार साथियों उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे इस मुस्काहट को आप अगर देख पा रहे होंगे तो सुन भी पा रहे होंगे कि क्या वाकई में एग्जाम को जब देने जाते हैं तो डर लगता है और देने के बाद लगता है कि ये ठीक है और उसको वापस आते आते ऐसा लगता है कि मैं ये देख के खुश हो रहा हूँ कि इस अभी दस पंद्रह बीस दिन में यूट्यूब पर हो या किसी तरीके से हो आर के पीछे इतनी महा महा महरा चली मतलब आप ही समझ सकते हैं कि इतनी जबरदस्त तरीके से बारह बारह पंद्रह पंद्रह बीस बीस घंटे की मैराथन चल रही थी लोगों की लेकिन आयोग के जो प्लानिंग थी सबको यहाँ पर धरा से कर दिया सिंपल सी बात है पेपर सिमिलर भी में अगर मैं कहूँगा तो पेपर इजी तो नहीं कह सकते लेकिन आप कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ था मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो संभव थे आप हर आदमी कर सकता है यदि उस नजरिए से देखें कि हाँ उन प्रश्नों को देखा जाए कि हाँ नजरें पड़े इजी क्वेश्चनों पर पेपर आसान था वही नज़रें पड़े टफ़ पेपरों पर तो पेपर टफ था आर के फील्ड में अभी तक का जितना भी आर का एग्जाम लास्ट टेन ईयर का हुआ है सबसे अभी तक का जो पेपर है ये टफ श्रेणी में आता है तो चुनौती ये बन जाती है कि जब तक आप चीज़ों को बिल्कुल रेडी करके नहीं पढ़ेंगे बहुत कुछ एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए लगभग 40 50 परसेंट पेपर हर किसी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास से आता है जैसा कि आप मेरी क्लास से भी देखेंगे लेकिन चुनौती वहाँ नहीं है कि सेवेंटी परसेंट तक हम चीज़ें कवर करें हमारा उद्देश्य रहता है कि अगर पच साठ में से लगभग पचास से पचपन क्वेश्चन हिंदी के कैसे करें तो आप ये देख पा रहे होंगे थोड़ी देर बाद सब लोग दिखाएंगे आके कि देखिए ये मैंने यहाँ पढ़ाया था साहब बात तो हकीकत की यहीं से निकल के आ रही है कि देखिएगा बारह बारह घंटे की मैरा से लोगों ने बारह बारह घंटे वेस्ट किए होंगे और ऊपर से बारह बारह घंटे का नेट यूज़ करा होगा एक क्वेश्चन की क्लास से देखने को नहीं मिल रहा होगा यार है ना तो चलते हैं तो मुझे लगता है कि और तो मैं ही कह सकता हूं जो मैंने जैसे मैंने पढ़ाया सबने ऐसे ही पढ़ाया सिमिलर वे में मैं ओपनली बोल रहा हूं मैं ओपन मंच पे इसलिए बोलता हूं कि कुछ चीजें अपने कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और मैं हमेशा कहता था, था कि बेसिक जब तक क्लियर नहीं है तब तक मजा नहीं निकल के आएगा राइट तो कैसा हुआ आपका पेपर एक बार कमेंट करिएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार मेरे साथ आरो के साथ जुड़े हुए थे आपको फील हो रहा होगा कि हिंदी में भी बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही डायरेक्टली हिट करके मिले होंगे और जीएस में भी आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन जो डायरेक्टली हैं वहां पर जिन लोगों ने टेस्ट लगाए होंगे उनको बड़ा बेनिफिट मिला होगा मैं डायरेक्टली पॉइंट टू तो पॉइंट करके बता दूंगा क्वेश्चन कहां कहां से निकल के यहां से आया राइट कैसे हुए पेपर बताएं सब लोग कमेंट करके मजा आया क्लियर कैसे हैं आप सब लोग राइट तो मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने लास्ट दस पंद्रह बीस दिन मेहनत करी थी आप लोगों के पीछे उसका फल मुझे लगता है कि अगर मिला हो तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा आओ मैं डायरेक्टली क्वेश्चनों के लेवल पे चलते हैं और ठीक है तो मुझे लगता है कि आप आराम से चीजों को समझ पा रहे होंगे तो बहुत मजा आया बताओ क्लियर चलिए आज की चर्चा को स्टार्ट किया जाए एक बार सब लोग क्लैपिंग कर दें जिन लोगों का पेपर था वो अच्छी बात है एक बार वो मिला सकते हैं किसका आंसर क्या मैंने अभी आधे घंटे पहले सबको मैचिंग करके सब सेट किया है पेपर का और उसके बाद संभवत है वन फोर्टी क्वेश्चनों में से अगर एक दो प्रश्न रोंग हो भी जाते हैं तो कोशिश करिएगा वो आयोग भी गलत करेगा लेकिन कोशिश मैंने ये की है कि एक भी प्रश्न रोंग ना हो तो सहजता के साथ बड़े उन प्रश्नों के जवाब को लिखने का प्रयास किया है और हाँ पेपर लीक होने की खबर आ रही है उस पर ध्यान मत दीजिएगा वो आपका काम नहीं राइट ठीक है तो आपने मुझे लगता है कि बहुत जगह से कम से कम बारह बारह घंटे की दस दस घंटे की मैराथन ज्वाइन की होगी ठीक है चलिए पहले हिंदी का पेपर करें या जीएस का पेपर करें बताइएगा संभवतः मुझे लगता है कि आपने सबने क्वेश्चन का लेवल देख चुके होंगे तो यहां उत्तीर्ण ये बन जाता है कि हम डायरेक्टली इसका प्रश्न का आंसर यह एक तरीके से देख लें और कैसे हैं आप सब लोग ये एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा तो आज की चर्चा को स्टार्ट ये कर लेते हैं और कट ऑफ की बात सब चीजें भी करेंगे जीरो से लेकर अगर ये बताओ कमेंट करके दिखाई दे रहा है ये नहीं दे रहा है अगर ये दिखाई दे रहा है तो हम इसी फॉर्मेट पे करा देते हैं अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो हम दूसरे फॉर्मेट पे करा देते हैं तो एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा चलिए पहले हिंदी कराएं या जीएस कराएं बताओ कमेंट कर, कमेंट करके पहले जीएस कराएं या हिंदी करें तुम हो मेरी हकीकत बस तुम्हें बनाए रखना बताओ पहले हिंदी कराए या जीएस कराए बताओ कमेंट करें सभी लोग दिख रहा है ठीक है पहले जीएस पे जिन लोगों ने पेपर दिया है सबकी डिमांड देख लेते हैं कि आ रही पहले एक घंटे में दोनों हम लोग कर लेंगे राइट जी एस तो एक बार कॉपी पेन लेके आप लोग बैठे होंगे प्रतिभा बहुत कुछ आया यही मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आया होगा मैं मुझे पता है अभी एक घंटे पहले पेपर को मैं सर्च करके सब चीज़ों को मैनेज कर रहा था तो आइएगा डायरेक्टली जीएस पे हम लोग काम कर लेते हैं जल्दी से फटाफट और उसके बाद हम लोग पे काम करेंगे इस पर हिंदी पे काम कर लेंगे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फॉर्मेट आप बड़े प्यार से मोहब्बत से देखना इस सारे प्रश्नों को सहजता से देखने का प्रयास करें जैसे ही इसमें लिखा है जिसमें से एक को यहाँ पर अभी कथन है और दूसरे को कारण बता रखा है जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ती है तो पानी का कथनांग क्या होता है घटता है ये बिल्कुल स्टेटमेंट अगर देखा जाए सही है लेकिन ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दाब जैसा ही देखो जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या होता है घट जाता तो ने ने? है, स्टार्टिंग हो जाती है तो यानी गलत है कथन सही है इसको एक बार देख लें फटाफट हम इसको मैचिंग कर लेते हैं जिससे फायदा हो जाएगा आपको अगर आगे चल लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान में अफगानिस्तान में नहीं है तो सिमिलर वे में अगर आप फरगना की बात करेंगे समरकंद की बात करेंगे ये उज्बेकिस्तान में पड़ते हैं तो इसके बारे में जो आंसर निकल गया जाएगा एज राइट ऑप्शन मैंने ये डायरेक्टली मैचिंग कर दिया राइट क्वेश्चन नंबर तीन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये बंशों के बारे में बात कर रहा है तो ये बंश बिल्कुल ख्रिज कहाँ पहले आता है फिर मोहम्मद शाह आता है फिर मुबारक शाह आता है फिर अलाउद्दीन आलम शाह आता है तो आंसर क्या है इसका डी इज राइट ऑप्शन देखिएगा सीक्वेंस बिल्कुल एज इट इज लिख रखा है कुछ नहीं करना था डायरेक्टली इसमें मैचिंग कर रहा था यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भूरे हरे काले रंग के के पहले, दूसरे, तीसरे छल्ले साथ कोई करने के लिए पंद्रह बोल्ट कहा जाता है तो इसका स्टेटमेंट बड़ा खतरनाक क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है साइंस का ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो घुमा घुमा के आपसे पूछ रहा है कि एक अगर मैं कहूंगा तो सिमिलर वे में घुमा के पूछने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत विद्यार्थियों की कहानी खत्म हो रही होगी क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने निम्नलिखित क्षरण में से विचार करिएगा इसमें से कौन से मिट्टी के तो सबसे पहले इस पॉइंट में देखा जाएंगे तो यहाँ पर पहले क्या होता है बौछारी चरण होते हैं उसके बाद यहाँ पर, पर होता है देन नलिका होती है और लास्ट में क्या होता है अपरधन इस पॉइंट के भी से जाएंगे तो अपरदन सबसे लास्ट में होता है तो आंसर क्या है इसका बी इज राइट ऑप्शन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर सिक्स आधे घंटे में थोड़ा मैचिंग कर लें फिर हम तुमसे बहुत सारी चीजें बात करेंगे क्या लिखा भारत के महनव जैसा कि जान सकते हैं कि आर्टिकल 76 में इसके बारे में डिफाइन कर रखा है ये लगातार आप पढ़ते भी रहते हैं प्रधानमंत्री की मर्जी पर रहता तो फिर जब चाहे जहाँ हटा देते ये राष्ट्रपति की मर्जी पर रहता है तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर रोंग है हाँ सदस्य विशेष अधिकार नहीं मिलते हैं संसद के उसे क्या मिलता है कि शक्ति मिलती है जैसे कि पार्टिसिपेट कर सकता है वहां बोल सकता है बट विशेष अधिकार प्रोवलेज नहीं मिलते याद रखिएगा तो यहाँ पर एक प्रसार से क्या सेकेंड स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या है इसका बीच राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर Seven, आपके सामने ही रहा शिंगिंग पुल के बारे में बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है जैसा कि जान सकते हैं अपवर्तन इसका आंसर है रिफ्रेक्शन यानी इसका आंसर निकल के आ जाएगा सी इज राइट ऑप्शन देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या है एट फाइवर आईस संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन है कनाडा है ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड सहित पांच देशों में खुफिया गठबंधन है तो यहाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या स्टोन घोष्ट के नाम से भी इसको सामूहिक रूप से हम डेटाबेस के रूप से माध्यम से तो जानते हैं ये स्टेटमेंट भी सही है दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तो आंसर का निकल कर जाएगा सी यानी ए आर की सही व्याख्या करते हैं दोनों ही क्या सत्य है मैंने लास्ट क्लास में एक दिन बताया था कि जब तुम्हें कोई प्रश्न आए तो वहाँ छोड़ दीजिएगा कि भाई साहब वही आंसर है जो दोनों की सही व्याख्या करने का प्रयास करता है यहां अनाज वाली फसलों के अंतरा अंतरा समस्या के रूप में दलहनी पूरे रूप से कहीं ना कहीं कार्य करती हैं मूसला चढ़ प्रणाली दलहने होती हैं रसेदार के रूप में कार्य करती दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आंसर क्या है इज राइट ऑप्शन ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं दस की तरफ देखिएगा इसके सीक्वेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है सबसे पहले आप जान सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज हुई उसके बाद प्रोटॉन की फिर न्यूट्रॉन की ये सीक्वेंस भी अगर आप लगा लेते तो आप आराम से इसका इजी वे में आंसर निकाल के यहाँ से आ जाते तो आंसर क्या है इसका सी इज राइट ऑप्शन देखिएगा राइट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं फटाफट जिससे कि आप एक बार आंसर की देख लें जिससे कि ये समझ लें कि इसका आंसर सही वाला ये है निकल के आ जाएगा देखो गांधी जी के बारे में आपसे पूछ रहा है और गांधी जी के बारे में सिर्फ क्या पूछा दक्षिण अफ्रीका संघर्ष ने गांधी जी को राष्ट्रीय मूवमेंट के लिए तैयार किया ये बिल्कुल सही बात है स्टेटमेंट ये सही है और यहीं से विश्वास हो गया था कि कहीं ना कहीं उस उद्देश्य से कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर अपने मूवमेंट को लेकर चल सकते हैं इसी प्रकार से हम देश के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं हैं वो जुझारू संघर्ष के रूप में बलिदान में कन्वर्ट कर सकते हैं गांधी जी को दोनों प्रेरणा यहीं से मिलेगी यानी आप ये कह सकते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है दोनों सही लेकिन पॉइंट निकल के आता है कि संघर्षों की कहानी अफ्रीका के जुझारूपन से यहाँ कैसे भारत में निकल के आती है इसीलिए इस स्टेटमेंट की तरफ ए पे नहीं जाएंगे इसका स्टेटमेंट देखा जाए तो दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा इसका सी इज राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर चलते हैं ट्वेल्व की तरफ फटाफट देखो ट्वेल्व में क्वेश्चन का आंसर 508 सौ आठ है ये बेसिक क्वेश्चन है जैसा कि आप जान सकते हैं इसको निकालने के लिए सात परसेंट पांच वर्ष की कितना हो जाएगा पैंतीस परसेंट पैंतीस का मतलब एक सौ पैंतीस हमारा मूलधन है एक सौ पैंतीस का मान कितना बोल रखा है 540 सौ चालीस अगर एक परसेंट का मान निकालेंगे तो चार हो जाएगा हंड्रेड परसेंट का मान निकालेंगे तो चार सौ हो जाएगा अब यहाँ से क्या पूछ रहा है बेटा नो परसेंट सालाना तीन परसेंट होते हैं सत्ताईस परसेंट ब्याज निकालना है सत्ताईस परसेंट ब्याज कितना होता है तो बोलेंगे सर एक सौ आठ अगर चार सौ में एक सौ आठ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पांच सौ आठ यानी डीज राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों को वो आपसे घुमा घुमा के पूछ रहा है क्लियर फटाफट एक बार देख लो कि सर इसका आंसर क्या है जिससे कि आप समझ सकें चीजों को आगे बात कर ले सकते हैं तो यहाँ पर पहले का क्या है रेलवे बोर्ड के ये है तो उसके बाद मनोज नाथ क्या निकल के आ जाएगा टेलिस तो आंसर क्या है इसका सी इज़ राइट ऑप्शन और उसके बाद अगर देखेंगे मनोज नाथ यहाँ पर जो निकल के आ रहा है सी का दूसरा थाईलैंड के ये हैं मोहम्मद जो है ये मालदीप वाले राष्ट्रपति हैं तो आंसर क्या है इसका सी इस स्टेटमेंट में अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें पूछा गया कि कौन सा एक सही है देखिएगा और ये सुख जो है जोधपुर में नहीं है ये देहरादून में नहीं है ये जोरघाट में पड़ता है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये जबलपुर में नहीं है तो ओनली कह सकते हैं कि यहाँ पर तीन ओनली सही है तो तीन सही का मतलब है कि डी इज राइट ऑप्शन आपके सामने निकल के आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं फटाफट पंद्रह में की तरफ देखो अगर परासरण की बात करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट ये आपके यहाँ पर सही है यदि अर्धपारक झिल्ली विलायक और बिलियन के मध्य रखी दी जाती है तो विलायक के अरु के सापेक्ष में क्या करती है प्रभावित हो जाती है सही है विलायक के प्रभाव की जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं उसको परासरण के रूप में कहलाती है दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका एज राइट ऑप्शन देखिएगा क्लियर आपस में बात ना करिएगा अगर नहीं करना चाहते तो बताओ यहीं रोक दें कहानी को बताओ ये सी सेट है सी बी कोई सा भी सेट हो क्वेश्चन सबके सेम है मेरी कोशिश है कि दस पंद्रह मिनट में हम एक बार मैचिंग कर लें कि अगर आपका आंसर ये है तो ठीक है नहीं है तो भी ठीक है उसके बारे में बताऊंगा बाद में तो तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ यहाँ सीखने का प्रयास अभी करेंगे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है तो एक बार थोड़ा मैचिंग कर लो कि इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सोलह की बात करते हैं तो सोलह में देखो यहाँ पर सात हजार छह सौ करोड़ साठ सात हजार सात लाख सात लाख साठ हजार जो है करोड़ बजट जो है एग्जैक्ट अगर लगभग लगभग लिखा होता तो इस लगभग होने की वजह से सही हो जाता है लेकिन ये पहला स्टेटमेंट रोंग है ओनली क्या है राजकोष से घाटा इतना करोड़ रुपए के आसपास से बिल्कुल सही है इसका आंसर क्या है बीस राइट ऑप्शन देखिएगा नेक्स्ट घटनाओं में अगर बात करेंगे तो इसका स्टेटमेंट डी इज राइट ऑप्शन है आगे बात करेंगे अट्ठारह का तो बीज के बारे में सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं यहाँ पर केंद्रक बीज होता है केंद्रक बीज के बाद क्या होता है बोलेंगे सर यहाँ से प्रजनन बीज होता है प्रजनन के बाद क्या होता है बोलेंगे आधारित बीज होता है लास्ट में बनता है प्रमाणित बीज तो इसी स्टेटमेंट को हम ये भी चेक कर लेते हैं कि लास्ट में क्या निकल करता है तो प्रमाणित करते हैं तो इसलिए याद रखिएगा प्रमाणित का मतलब लास्ट थर्ड ऑप्शन ये होता है ए इज राइट ऑप्शन ये सेट नंबर मुझे थ्री मिला है तो सेट क्या है ये सी आपका आंसर निकल के यहां से आ जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर आपके सामने उन्नीस देख लीजिएगा एक बार जल्दी से देखो क्या लिखा है भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है ये बात बिल्कुल ठीक है लेकिन जूट उत्पादन में पीली क्रांति ये तो तिलहन के लिए है जैसा कि आप इसके बारे में जान सकते हैं थोड़ा तो लॉजिकल भी लगाएंगे तो फिर आराम से टिक कर पाएंगे तो यानी दूसरा रोंग है ए सत्य है तो आंसर क्या निकल कर जाएगा ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि ए सत्य है और आर क्या है इसमें गलत है क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखो ये रहा क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं स्टेटमेंट कर है. है? तो सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते इसलिए स्टेटमेंट इस इस क्या है इसका बीस राइट ऑप्शन देखने का प्रयास करें नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करेंगे किसका इक्कीस का देखो इक्कीस के में सिमिलर कुछ नहीं करना था अगर बाई का एक्स परसेंट बाई के एक्स परसेंट के बराबर होगा तो भाई साहब एक्स वो लिख दीजिएगा कुछ नहीं करना सिमिलर वे में जो चीज़ें यहाँ वो चीज़ें अगर इस परसेंटेज को यहाँ लगाया तो भाई साहब अगर यहाँ पर बाई है तो एक्स ही तो बचा है एक्स वो लगा दो कुछ नहीं करना सारी चीज़ें बताऊंगा पहले क्वेश्चन के बारे में डिबेट कर लेते हैं बाईस में की बात करेंगे तो बाईस माह सिमिलर वे में सर्दी के मौसम में भारत की अधिकांश जलवायु क्या होती सुख्स रहती है बिल्कुल ठीक है शीत ऋतु के दौरान अधिकांश जो भाग है पूर्वी हवाओं के द्वारा प्रभाव रहते हैं तो जैसा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं आंसर क्या है इसका सही व्याख्या करते हैं तो ए इज राइट ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने इसके बारे में तो आप जान सकते हैं कुछ नहीं करना था भरतनाट्यम के बारे में आपको पता है कि पहले का पहला आंसर होगा कुचिपुड़ी कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में सही किया है जिसने भी दिया है सत्री असम में है कथक जहाँ उत्तर प्रदेश में तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा इसका एज राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौबीस देखते हैं फटाफट क्या लिखा है देखो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में कह नृत्य कहलाता है देखिएगा सिमिलर वे में समझो क्या किसके चारकुल के बारे में बात कर रहा है अच्छा नृत्य में पर्दा ढकी महिलाएं सिर पर बड़े हुए ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट अगर सही है और पहला इसमें क्या है रोंग है उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में नहीं होता है तो आंसर क्या निकल किया जाएगा इसका डीज राइट ऑप्शन यानी सेकंड आपका राइट ऑप्शन है अगला क्वेश्चन देखो सिमिलर वे में आप ही कह सकते हैं तो निकालना आसान हो जाएगा अगर यदि किसी वर्ष में पच्चीस अक्टूबर गुरुवार है तो पच्चीस अक्टूबर को क्या है यहाँ पर गुरुवार निकल कर रहा है थैंक यू थैंक यू सभी को यार मेरा प्रेम पूर्वक तो हम ही कह सकते हैं कि ये तो सिमिलर वे में क्या आंसर निकल आ जाएगा पांच सोमवार पढ़ेंगे देखो 25 अक्टूबर को गुरुवार है यानी बृहस्पतिवार है तो पूछा उस महीने में सोमवार कितने पड़ेंगे तो अगर बृहस्पति तो चौबीस में क्या पड़ेगा बुध हो जाएगा है ना तेईस में क्या हो जाएगा मंगल हो जाएगा एंड बाईस में क्या हो जाएगा बोलेंगे सर यहाँ से, से सोमवार हो जाएगा आपसे सोमवार तो, तो बाईस सात उनतीस में सोमवार उसके बाद पंद्रह में सोमवार उसके बाद आठ में सोमवार उसके बाद एक में सोमवार तो एक दो तीन चार पाँच आंसर निकल के जाएगा सी इज राइट ऑप्शन देखिएगा कुछ नहीं करना क्वेश्चन नंबर छब्बीस ये सब देखा होगा आपने ना ये सब कैलेंडर के क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे पेल दिया था आपके सामने राइट एंड बात करते हैं दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिण ढलानों की तुलना में क्या होता है घना वनस्पति आरूण होता है इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर अधिक वर्षा होती है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर दूसरा अधिक वर्षा होने का ये कारण नहीं है तो आंसर क्या ए असत्य है और दूसरा क्या सत्य है दिखेगा क्वेश्चन नंबर चलते हैं फटाफट सत्ताईस की तरफ देखिएगा यहाँ संभाद कौमुदी के बारे में आप समझ सकते हैं राज राम मोहनान ने लिखी है यह को जलाने के लिए सरस्ती प्रथा जो होती थी उसके बारे में उल्लेख किया गया है तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आगे चलते हैं यहां पर अट्ठाइस की तरफ अट्ठाइस के बारे में जान सकते हैं देखो फताह उसतलानी का किसने लिखी है बोलेंगे सर यहाँ से अब्दुल मलिक इसामी ने लिखी है तो पहले का दो ऑप्शन है पहले का दो ऑप्शन हमारे पास सी में तो मिल रहा है या डी में मिल रहा है आगे चलते हैं फुतुक ए फिरोज शाही फितुक उस फिरोज शाही किसने लिखा है बोलेंगे सर इसने फिरोज शाह तुगलक ने लिखा आगे इसलिए दूसरे का पहला ऑप्शन है तो आंसर तो क्या बन जाएगा इसका तो सी इज राइट ऑप्शन देखिएगा सी इज राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर उन्तीस चलते हैं बंद शीशे की खिड़कियों दरवाजों की वाली कारों में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली सुरक्षित रहता है बिल्कुल सही बात है बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है आवेश कार के जो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या है इसका सी इज राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी देखते हैं यूरोप में राई नदी के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या है औद्योगिक गतिविधि की काफी मार्ग चेंज करती है तो यानी महत्वपूर्ण मार्ग है ये राउटर डैम का बंद रहा आई नदी पर मुहाने पड़ता है स्टेटमेंट सही है दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से आंसर क्या है इसका सी इज राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर चलते हैं इकत्तीस की तरफ देखिएगा इकतीस क्या बोल रहा है रुद्रमा के बारे में आपसे पूछ रहा है रुद्रमा बंगाल के काकतीय है चौथे वंश की क्या थी स्वतंत्र शासक थी ये बिल्कुल ठीक है लेकिन दक्षिण भारत के पांडव क्षेत्र में नहीं थी तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट रोंग है आंसर क्या है पहला इज राइट ऑप्शन देखो अगर बात करते हैं कृषि पंतनगर के बारे में तो ये अच्छे क्वेश्चन स्टेटमेंट देखने देखने को मिल रहा है पहला कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास पंतनगर जो उत्तर प्रदेश का था उन्नीस में लिखा गया था उन्नीस सौ के आसपास विश्वविद्यालय एक्ट हम लोग लेके आते हैं वहाँ पर प्रॉपर वे में हम यूनिवर्सिटीज खोलने का प्लान करते हैं तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट ये भी सही हैं और दोनों सही होने की वजह से आंसर क्या है इसका राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर तैंतीस पे चलते हैं देखो ये त्रिसम के बारे में ये जैसा कि जान सकते हैं कि असम है तो ए एम टी एम ये कुछ याद कर लगते हैं जो हमारे पास पांचवी अनुसूची में है छठी अनुसूची में है तो इसका आंसर क्या है इसका डीज राइट ऑप्शन देखने का प्रयास करें अभी हाल ही में देखो देखा होगा आप लोगों ने यहाँ पर हांगकॉन्ग में हांगकॉन्ग में एशियाई खेल हुए थे पदक के रूप में आपसे पूछा तो चाइना को कितने मिले ध्यान रखना तीन सौ सबसे अधिक इसको मिले थे उसके बाद जापान की बात करेंगे जापान को एक सौ अठासी मिले थे सेकंड नंबर पर रहा था सॉरी उस, उस पर रहा था दक्षिण गणराज्य कितने मिले थे वन नाइन्टी थर्ड सेकंड पे थर्ड पे भारत की बात करेंगे तो भारत को कितना एक मिले थे अगर आप भारत को भी पकड़ लेते तो आंसर निकाल पाते क्योंकि भारत को एक अगर आपको याद रहेगा तो चौथे का दो ऑप्शन तो आंसर क्या है इसका डी जाइस ऑप्शन देखेगा ये कुछ दिन पहले मैंने तुमने देखा होगा बिल्कुल एज इज कम से कम थर्टी से फोर्टी क्वेश्चन जिन लोगों ने टेस्ट लगाए होंगे डायरेक्टली उनको एज इज मिल रहे होंगे मैं ओपनली बोल रहा हूँ आपसे देखिएगा ठीक है तो इट मीन विटामिन सी किससे होता है किस से होता है पहले का चार पकड़ लो किसी को नहीं छोड़ना है पहले का चार पकड़ लोगे और यहां पर विटामिन बी से वेरी वेरी चौथे का दो पकड़ लोगे तो आंसर क्या निकल गया जाएगा इसका बीस राइट ऑप्शन देखेगा क्वेश्चन नंबर यहां पर पैंतीस का क्वेश्चन नंबर छत्तीस देखेगा उत्तर प्रदेश के बारे में देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई होती होती वर्ष है है देखिएगा ना तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की जो उम्र होती है वो कितना तीन से छह इस तरीके से कन्वर्ट कर रखा है तो हम ही कह सकते हैं कि आंसर क्या दोनों रोंग है तो आंसर क्या इसका सीज राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सैंतीस ये क्रम में बोल रखा है ये बिल्कुल सिक्वेंस एक प्रकार से पहले किसकी स्थापना की गई यहां पर कह सकते हैं उत्पादन रानीगंज कोयले की स्थापना की गई थी उसके बाद हमारे पास राष्ट्रीय एनडीसी की स्थापना की गई थी तो आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका वन फोर वन फोर कहां पर है डीज राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट चलते हैं थर्टी एट में कोशिश करिएगा चीजों को समझने का क्या लिखा है थर्टी एट में विश्ववत बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव बाला बायोम है यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही ही नहीं है क्योंकि विशुबत बायोम सबसे घना बायोम नहीं है विशुबत वन क्षेत्र में वर्ष बरस भर बर वर्षा होती रहती है ये स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या निकलेगा ए है सत्य है और बी क्या है इसमें सत्य है तो आंसर क्या है इज राइट ऑप्शन हिंदी का हिंदी का भी अभी टिक करा दूंगा पहले कोशिश करिएगा बस जल्दी से इसको हम लोग देख लें जिससे कि आप समझ पाएंगे अच्छा मेरा आंसर ये था तुम्हारा ये था जिससे काफी अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मुश्किल उसके लिए दस पचास क्वेश्चन तीन चार घंटे में हमारे हो पाएंगे देखो ये अच्छा स्टेटमेंट है बंकिम चंद चटर्जी के बारे में बोला पहले स्नातक थे और अंतिम उपन्यास इनका सीताराम था दोनों स्टेटमेंट सही आंसर क्या है इनका राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखो बैंकों की स्थापना के बारे में आपसे पूछ रहा है जैसा कि आप जान सकते हैं 1969 में इसकी स्थापना की थी ये अभी लिखा है 1980 में इसकी स्थापना की थी 1975 के आसपास इसकी स्थापना की थी उन्नीस में इसकी स्थापना की थी तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा सी राइट ऑप्शन देखिएगा यहां पर अच्छा स्टेटमेंट देखा है हम कभी कभी घबरा गए होंगे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पैन लिखा होगा लेकिन पैन नहीं है पिन है देखिए पिन क्या होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होता है किसका बैंक का अपना तो आंसर क्या कैस का सीज राइट ऑप्शन देखो हाल ही में आपने देखा होगा जी ट्वेंटी की वाराणसी में क्या हुई थी पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया था किसने संघाई ने जिसको एस के नाम से हम लोग जान सकते हैं आंसर क्या है इसका ए आगे चलते हैं अगर हम बात करें फोर्टी क्वेश्चन की तो यहाँ लिखा है एक दूसरे को कारण कथन के बारे में बोला भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती करने के लिए उपयुक्त नहीं है बिल्कुल स्टेटमेंट यहां पर सही है लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है हो और सुख जलवायु और खराब जल निकासी होती है दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है और एक दूसरे की व्याख्या इसलिए करते हैं इसकी वजह से ये होता है तो आंसर क्या है इसका राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर्टी की तरफ फोर्टी में देखते हैं बुरहान उल हक मुद सदार खान के बारे में डिफाइन कर रखा है दोनों स्टेटमेंट सही हैं ये अवध के स्वतंत्र राज्य के पहले खान क्या स्वतंत्र राज्य के, के संस्थापक थे और सैयद बंधुओं के विरुद्ध रखने में उन्होंने भाग लिया था यानी दोनों स्टेटमेंट सही आंसर क्या है बीज राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भारत में रवि फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा पश्चिम जैसे गेहूं वगैरह ये सब चीजें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं तो आंसर क्या है इसका ए तो सत्य है

प्रयास करें अक्टूबर उन्नीस सौ चालीस में गांधी ने सब कुछ लोगों द्वारा आह्वान किया था क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसलिए आह्वान किया था क्योंकि रखा था क्योंकि युद्ध के प्रयासों को ठेस पहुंचे देखेगा युद्ध के प्रयासों को ठेस पहुंचे ये हमारी जो नीतियां हैं जिनको हम यहाँ पर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्लियर क्लियर आपस में बात मत करिएगा आपस में बात मत करिएगा आंसर थोड़ा टिक कर लें नहीं तो हिंदी के हम अभी 10 10 मिनट के बाद हिंदी का मैं पेपर करा दूंगा चिंता ना करें उसके साथ भी डिस्कशन कर लेंगे तो स्टेटमेंट यानी ये रोंग है तो ए सत्य है और बी ए तो सत्य है आर क्या असत्य है तो आंसर क्या है इसका बी राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टी के बारे में पूछ रहा है क्या बिपिन चंद्र पाल के बारे में पूछा समाज सुधारक थे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है न्यू इंडियन की साप्ताहिक पत्रिका थी दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या है इसका बीज राइट ऑप्शन देखिएगा फोर्टी नाइन का फोर्टी एट का

इसकी वैल्यू वन है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी बिना कुछ करे आंसर ठोक दीजिएगा ये चलो आगे चलते हैं फिफ्टी वन की तरफ नंदनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में आपसे पूछा गया है कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है

से तीस और देखो पंद्रह तीन हजार, तीन हजार चौबीस दिखे बहत्तर सौ बहत्तर सौ को दो सौ से भाग कर लेंगे कितना हो जाएगा जाएगा मिनट तो आंसर क्या निकल के आ इसका इस बी इज राइट ऑप्शन चलो आगे चलते हैं अगर इस सिक्वेंस वगैरह आप जाते हैं तो पहले कौन आता है बहादुर शाह आ पहले कौन आता है बहादुर शाह आता है फिर कौन आता है जहां दापन आता है फिर कौन आता है बोलेंगे फख्सियर आता है फिर मोहम्मद शाह सबसे लास्ट में

स्कंद क्या होता है ब्याज एवं उसकी दरें होती हैं तो यहाँ पे पहले का आंसर क्या तीन है पहले का तीन कहाँ पर है बोलेंगे ये है सॉरी पहले का सॉरी स्कंद बेची गई कीमत होती है तो पहले क्या है चार है पहले का चार ये होगा तो ये भी रोंग ये भी एर। चालू खाता हम लोग चालू संपत्ति को लेकर कहते हैं दूसरे का पहला दूसरे का पहला ये है तो आंसर क्या है इसका ए इज राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पचपन पर देखो ये क्वेश्चन उसने इसलिए पूछा गया कि प्रेमबिल तुमको पता है नहीं पता है इस प्रश्न को भी तुम अगर रोंग करके आए होगे तो साहब समस्या ही समस्या, समस्या निकल के यहाँ से आ जाएंगे तो यानी एक संपूर्ण संपन्न समाजवाद पंत्र निरपेक्ष लोकतांत्रिक है जैसा इसके बारे में जान सकते हैं सोवर्निटी पहले आएगा सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेट तो यानी ये अच्छा स्टेटमेंट देखने को यहाँ से मिल रहा है सोशलिस्ट पहले नहीं आता है सोवर्निटी पहले आता है इसको रट लोगे तब भी आंसर निकल के आता था आंसर क्या इसका बीस राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर छप्पन पंचायत के बारे में मैंने बहुत तुम्हें कई बार बढ़ा था कि जो हमारे पास पंचायत के चुनाव कौन कराता है बोलेंगे इलेक्शन कमीशन जो होता है स्टेट का होता है अपना तो आंसर क्या निकल किया जाएगा इसका सी क्योंकि यही सही है अब बाकी क्या है इसमें रोक देखो समिति का प्रत्यक्ष नहीं होता अप्रत्यक्ष चुनाव होता है है ना चुनाव लड़ने के लिए अठारह साल मतदान करने की उम्र होती है मतदान करने की उम्र नहीं होती मतदान करने की उम्र होती लड़ने की उम्र नहीं होती राइट बात करते हैं यहाँ से सत्तावन क्वेश्चन भी अच्छा है एगमार्क के संबंध में आपसे पूछ रहा है कि एगमार्क कृषि उत्पाद की गुणवत्ता के सूचक बिल्कुल सही बात है एक कृषि में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्लियरिटी को डिफाइन करने का काम करते हैं लेकिन प्रमाणित भारतीय खाद निगम कहूँ एफ सी आई नहीं करता है एफ सी आई के समय नाइनटीन सिक्सटी फाइव के आसपास की थी डी के डीडीएस के माध्यम से हम लोग करते हैं तो आंसर क्या है इसमें एक सही है दो इसमें रोग है आंसर क्या है इसका बीज राइट ऑप्शन देखो देखो अगर आर्थिक क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ आर्थिक क्षेत्र नो नहीं नो में नहीं बांट रखा हमने और ये कृषि जलवायु हमारे पास कितना है? के आसपास है तो 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 मुरादाबाद के बारे में आपसे पूछा गया काफी अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है देखो तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है उनमें से देखो हर स्लिप ये खतरनाक क्वेश्चन बोल रहा है दुनिया भर में हर स्लिप अगर तांबे की बात करेंगे तो खेजली का नाम आपने सुना होगा खेतली कहाँ जाएगा फिर साहब अगर मवाजा जाएगा तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है यह भी रोंग निकल के यहाँ से आ रहा है ये सीएज के क्षेत्र में सेज क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको हम लोग सेज कह सकते हैं इसमें पहला क्षेत्र है तो यानी ये स्टेटमेंट सही है इसका डी राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी की तरफ चलते हैं फटाफट देखो जौनपुर के सिराज हिंद के नाम से हम लोग जानते थे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जौनपुर सक्रिय काल में शिक्षा के महान केंद्र की उपलब्धि में हासिल था ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट सही होने की वजह से ए और आर दोनों सही हैं तो आंसर क्या इसका है इसका बीज राइट ऑप्शन देखिएगा ऐसा लगता देखिएगा क्लियर क्वेश्चन को बड़े सहजता से बनाया गया प्रश्न जनरल ने और जितने भी मैराथन चल रहे थे यूट्यूब पर बारह बारह घंटे की मैराथन ये कर लो वो कर लो साहब लो ये कर लो उन सब के जो मतलब कह सकते हैं मैं ओपनली बोलूंगा तो बिस्तर बांध के वो आराम से विराम कर रहे होंगे वो ढूंढ रहे होंगे कि हम प्रश्न कहां से बताएं तो जितने क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दावा नहीं कर रहा मैं ये कह सकता हूँ कि थर्टी फोर्टी फिफ्टी परसेंट अगर टीचर क्लास से आ जाता है तो वो सफिशियंट होता है क्योंकि उसमें अपने आप को अप करना पड़ता है और बहुत क्वेश्चन ऐसे तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे डायरेक्टली टच हो रहे होंगे क्लासेस से देखने को मिल रहा होगा राइट क्लियर तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा मजा आ रहा है क्लियर? अगर दिल खुश हो रहा है तो एक बार कमेंट करें जल्दी से पेपर इसके बारे में वो जान सकते हैं। देखो, के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो है गति संरक्षण के रूप में कार्य करता है तो कार्य करता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली साइंस से पूछा गया पंजाब के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कौन सा असत्य है भाई साहब ये सारे असत्य हैं देखिएगा क्योंकि पंजाब राज्य समाप्त हो गया था भैया कैसे समाप्त हो गया था फिर बाद में लड़ाई करने की राइट क्लियर और यहां से दलीप सिंह पच्चीस हजार के रूप में है ना क्वेश्चन नंबर तिरसठ की बात करते हैं तो तिरसठ क्वेश्चन देखो देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के मारा इसने आप देखो मैं नहीं कह रहा मैंने अभी कुछ दिन पहले रीजनिंग की सिर्फ एक क्लास ली थी वहीं से रीडिंग का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे जैसे आपको कैलेंडर के देखने को मिले यहां से क्या बोला पांच समांतर रेखाएं और पांच उधर यानी वर्टिकल उदाहरण रेखाएं पांच पांच रेखाएं ऐसे काट दीजिएगा चार एक पांच पांच ऐसे काट दो एक दो तीन चार पांच कितना हो गया एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो यानी काउंटिंग कर लो एक दो तीन चार क्या बन रहा है बोलेंगे सर ये वर्ग बन रहा है तो वर्ग में मैंने कहा था चार चौक सोलह तीन तिया नो दो चार क्या बोल रहा था एक ही करा एक है ना तो क्या निकल गया डायरेक्टली यहीं से पढ़ाया था देखिए क्लियर तो पेपर ये मत सोचिएगा कि कहीं बाहर से निकल गया है पेपर हाँ उतना निकल गया जिसने मेहनत किया था उसका सफलता तो की जड़े वो खोल देगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा तो सर इक्कीस के बारे में देखिएगा यहां पर पांच राष्ट्रीय पुरस्कार वालों को नहीं दिएगा रॉन्ग ऑप्शन है देखिएगा

आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है कर योग्य शून्य आपूर्ति दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर इसका एज राइट है अधिकारों के बारे में पूछ रहा है ने उसने, उसने किया है एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे गलती क्या करी देखो मौलिक अधिकार आर्टिकल थर्टी सेवन यूएसए के राइट से लिए स्टेटमेंट सही है लेकिन हमसे क्या पूछा कौन सा गलत है देखिएगा आप देख रहे हो ना यूपीपीसीएस ने भी यूपीएससी की तरफ चलना स्टार्टिंग कर दिया है का ऐसा स्टैंडर्ड बना रहा है कि लगभग समानत है कुछ कुछ मैचिंग करना वो आपसे यूपीएससी की तरफ घूम रहा दिखेगा राइट अब देखो ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत मृत्यु का मूलभूत भाई मूलभूत अधिकार जो है आर्टिकल इक्कीस चर्चाएं चल रही है अभी है नहीं इसलिए स्टेटमेंट तो रोंग है चलो ठीक है भारत का संविधान एक पूर्ण संविधान है पूर्ण नहीं है भाई अर्ध है एकात्मक व्यवस्था भी संघात्मक व्यवस्था भी है ये भी रोंग है डी की बात करते हैं भारत के संविधान के तहत जो मूल अधिकारों को या मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है जैसा कि आप जान सकते हैं जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो केसमंद भारतीय उन्नीस सौ तिहत्तर के आसपास आता है अगर ये प्रश्न पूछा कैसे गया है इस इसमें मैं टिप्पणी कर सकता हूँ क्यों क्योंकि मूल अधिकारों की मूलभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक संरचना क्या होती है वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीस के बाद डिफाइन करी थी

राष्ट्र राज्य का संवैधानिक प्रमुख है बिल्कुल सही बा, सही बात दोनों स्टेटमेंट आंसर क्या है इसका इस राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर पे जल अफ्रीका के जलप्रपात के बारे में आपसे पूछ रहा है क्या जाम्बिया और मेजाविया की सीमा अवस्थित है बिल्कुल सही है जाम्बे जो नदी है यहां से होती है दोनों स्टेटमेंट सही है आंसर क्या है इसका सॉरी यह सीमा अवस्थित नहीं है दूसरा स्टेटमेंट सही आंसर क्या है इसका सी राइट ऑप्शन देखो अब देखो ये लोकेशन के बारे में ये क्वेश्चन ऐसी था। कुछ नहीं करना यहाँ से चलता है, 72. क्या लिखा है? देखो। का पेट भरने के लिए भारतीय संगीत महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थाओं को पूरा कर रहा है ठीक है भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान जो है कहीं ना कहीं मानसूनी वर्षा और मिट्टी की निर्भरता के ऊपर निर्भर होते हैं सही स्टेटमेंट है दोनों स्टेटमेंट सही होने के वजह से आंसर क्या है इज राइट ऑप्शन भारत की जस्ता के बारे में देखो ये चूना पत्थर कहाँ पा जाता है जिप्सम नमक कहां तो बोलेंगे राजस्थान में आंसर क्या इसका बीस राइट ऑप्शन देखो आगे चलते हैं यहाँ से चौदह से बड़े चौदह से बड़े कौन सा है पचास से छोटे संख्याओं के योग का एक चौथाई वर्ग किसका निकल के आ जाएगा ये खतरनाक क्वेश्चन देखने मिल रहा है आप क्या करेंगे आप यहाँ पंद्रह है चौदह से बड़ा भी फिर सत्रह है फिर उन्नीस है फिर इसकी इक्कीस है फिर तेईस है इस तरीके से जोड़ेंगे देखिएगा जोड़ने के बाद जो भी निकल कर आएगा उसका क्या करेंगे बोलेंगे सर यहाँ से उसका एक चौथाई करेंगे वन फोर्थ करेंगे वन फोर्थ जो निकल के आएगा वो किसका वर्ग है ये आपसे पूछा गया है तो ये स्टेटमेंट वन फोर्टी फोर आएगा चौथाई करने के बाद तो यहाँ पे क्या निकल के जाएगा बोलेंगे सर ये बारह का वर्ग है तो बारह का ही ऑप्शन ही नहीं है तो आंसर क्या उपरोक्त में से कोई नहीं है डी इज राइट ऑप्शन देखिएगा ये हाल ही में चर्चाओं में रहा था देखो गाजा पट्टी के बारे में ये से से भी भी लगती है आंसर क्या इसका सीज राइट ऑप्शन देखिएगा ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया खतरनाक मोड में पूछा गया देखिएगा शिखर सम्मेलन लखनऊ के आयोजित किया गया देखेगा लखनऊ में आयुक्त किया गया था ये स्टेटमेंट सही है लेकिन राष्ट्रपति जी नहीं थे प्रधानमंत्री जी थे इसलिए स्टेटमेंट पहला सही है दूसरा रोंगे निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन देखिएगा देखो तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर एक सही है देखिएगा तो ओनली फतेहपुर सही है शराबस्ती में नहीं है ये चीनी महुआ में नहीं है अमे, समस्तपुर अमेठी में नहीं है तो आंसर क्या है इसका सीज राइट ऑप्शन देखो अगर इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि एक सही नहीं है देखिएगा जैसा कि कॉफी बोर्ड जो है हैदराबाद में नहीं है बाकी सब ये सही स्टेटमेंट निकल के आ रहा है एज राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन देखिएगा यह स्टेटमेंट राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया है सिमिलर वे में देखेंगे कपाला किसकी राजधानी है तो बोलेंगे कपाला जो है युगांडा की राजधानी है किंगाली किसकी है रम, रमांडा की है तो यहां पर देखेंगे किंगासा किसकी कांगो की खातून किसकी सूडान की आंसर के निकल जाएगा इसका फीज राइट ऑप्शन देखेगा क्वेश्चन नंबर एट्टी क्वेश्चन बड़े खतरनाक मोड में पूछा गया पहले क्या आएगा थाल आएगा फिर भोर घाट आएगा फिर पालघाट आएगा तो आंसर क्या है इसका बीज राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्वेश्चन एट्टी वन एटी वन के बारे में बहुत इजी फॉर्मेट में अन्नु कुमारी ने का जो क्या था अनुरानी का भाला फेंक था पारुल चौधरी का पांच हजार था मीटर में दौड़ थी और तजिंदर दूर की क्या थी गोला फेंक थी और देन पलक गुलिया की क्या दस मीटर एयर पिस्टल थी आंसर क्या निकल के आ जाए इसका एज राइट ऑप्शन देखेगा क्वेश्चन नंबर एटी क्या एटी टू पच्चीस लोगों में से एक समूह में बारह लोग फ्रेंच बोलते हैं सिंपल सी बात है देखो सिमिलर वे में समझो बड़ा आंसर आराम से निकल के आ जाएगा क्या लिखा है समझने का प्रयास करें बारह लोग क्या बोलते हैं फ्रेंच पंद्रह लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे अंग्रेजी छः नहीं बोलते हैं पच्चीस में छः घटाओ कितना बचेगा उन्नीस ये कितनी बोलते हैं बारह ये बोलते हैं पंद्रह कितना हो जाएगा सत्ताइस ये उन्नीस होना चाहिए सत्ताईस आ रहा कितना आठ ज्यादा है आंसर क्या इसका बीस राइट ऑप्शन देखिएगा कुछ नहीं करना अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया ये यूपी से क्वेश्चन पूछा गया आमला कहां होता है प्रतापगढ़ में तीसरे का ए पकड़ लो तीसरे का कहां पर है या तो यहां पर है या यहां पर है इन दोनों को काट दो यार ठीक है और किसी को घी कहां होता है देसी घी औरैया में पहले का चार पहले का चार पहले का चार कहां पर है बोलेंगे दूसरे का चार कहां पर दूसरे का चार यहां पर निकल के आ रहा है इसको पकड़ लो तो आंसर क्या है इसका सी राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर एट्टी देखो 84 के बारे में अगर हम बात करेंगे बांदा में इनका जन्म हुआ था बिल्कुल सही स्टेटमेंट है लेकिन साहब इनकी पत्नी का नाम गीतावली नहीं था इसलिए स्टेटमेंट क्या है यहां पर ये है 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 दूसरा आंसर क्या है इसका सी इज राइट ऑप्शन तुलसीदास के बारे में स्टेटमेंट काफी अच्छा है। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में चार मिनट आगे बढ़ जाती है चार मिनट आगे बढ़ जाती है यानी आप ये कह सकते हैं कि चार मिनट आगे बढ़ जाती है तो यानी चौसठ मिनट की वैल्यू कितना सिस्टी है एक की वैल्यू सॉरी अगर साठ मिनट की वैल्यू कितना बोल रखा है सिस्टी है अगर एक मिनट के अलग निकालेंगे सिक्सटी फोर है तो सिक्सटी फोर अपॉइन सिक्सटी आ जाएगी अब पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना अंतर निकल के आएगा तो यहाँ पे तीन सौ साठ से कुछ ऐसा कर लेंगे और तीन सौ साठ से करेंगे तो गुणा कर लेंगे तीन सौ साठ से जीरो जीरो कट जाएगा छः से छः कट जाएगा सिक्सटी फोर सिक्स जब कितना हो तीन सौ चौरासी आंसर क्या है राइट आंसर निकल के, निकल जाएगा चलो ये क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा है तो घुमा घुमा के आप इसको पटक डालोगे छब्बीस में क्या धार्मिक स्वतंत्रता है आर्टिकल चालीस में क्या है पंचायत है

71.2 के आसपास यहाँ ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट दोनों कन्फ्यूजन कर सकता है लेकिन 31.2 वन पॉइंट टू परसेंट क्या यहाँ पे जनसंख्या नगरीकरण है भारत के पास है ना तो ये स्टेटमेंट है देखो ये अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है एंडीज कहाँ पर है बोलेंगे सर एंडीज दक्षिण अफ्रीका में है दक्षिण अफ्रीका में है फिर क्या है एल्पलाइन कहाँ एशिया में है तो चार तीन कहाँ पर है ये है या ये है तो इनको दोनों को काट देंगे ठीक है भाई साहब अल्फाज कहां पर है यूरोप में तीसरे का ये तीसरे का ये पकड़ लो सी इज राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा देखो अगला क्वेश्चन नंबर इसमें देखो रीजनिंग में उसने कुछ नहीं किया है क्या लिखा है यहाँ पर सीओ आर पी तो सी ओ आर पी को पीओ आर सी कर दिया फिर क्या लिखा है यहाँ पर ओ आर टी को टी ए आर ओ कर दिया इस तरीके से वो कन्वर्ट कर रहा है चार चार पॉइंटों पौ, पौ, को चलो यहाँ भी कन्वर्ट करते हैं क्या है यहाँ पर जी यू डी आई है तो आई क्या हो जाएगा आई डी यू आई तो आई डी यू आई हो गया जे

इस प्रश्न को सबने रुलाया होगा देखो मैं आपको बताता हूँ कितने लोग अच्छे बताओ कमेंट करके इसने ये प्रश्न किस किस ने रुलाया था इस प्रश्न ने बताओ कमेंट करके मैं भी अभी सोल्यूशन कर रहा था तो यहां मेरी भी मतलब दिमाग की बत्ती गुल हो रही थी क्या करें इसको बताओ इस प्रश्न में किस किस को ध्यान रखना डुबाया बताओ कमेंट करके आपस में बात ना करो पेपर द्वारा नहीं होगा कोई समस्या हुई आयोग चेक करेगा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना हमारे हाथ में हैं है, अपने साथ लगे हुए थे लग हाँ, फिर करंट अफेयर को भी हो बहुत क्वेश्चन यहां से मिल रहे होंगे राइट? राइट? इस प्रश्न को किस किस ने दुखी किया बताओ कमेंट करके है ना देखो तीन से क्या किया है तीन, अगर यहां देखेंगे यहां पे दो जोड़ा है यहां पे तीन जोड़ा है यहां पे पांच जोड़ा है यहां पे सात जोड़ा है है ना अब पता है इसने कुछ नहीं किया इसने अभाज्य संख्या है उनको ऐड करा है जैसे सोचो दो तीन पांच सात अब बच्चे हैं नो जोड़ रहे होंगे यानी उनतीस आना चाहिए उसे लग रहा हो कुछ ना कुछ तांडव हो रहा है तो यहीं पे अभाज्य मतलब ग्यारह आएगा तो बीच में ग्यारह यानी इकतीस आंसर निकल के आ जाएगा इसका देखो राइट इकतीस आंसर है नाइन्टी टू देखो ये अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है बाईस सितंबर दो हजार तेईस के अंत तक लखनऊ में आयोजित किया गया था बिल्कुल ठीक है इसको भारत सरकार ने नहीं किया था किसको पुस्तक मेले को किसने किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था ऐसी स्थिति में आंसर क्या है इसका एज राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री देखिएगा काफी अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है क्या है नरगेश मोहम्मदी को दो हजार तेईस के नोबेल पुरस्कार दिया गया था सही स्टेटमेंट है प्रेस की स्वतंत्रता की लड़ी थी ये भी स्टेटमेंट सही है दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या है इसका सीज राइट ऑप्शन देखिएगा राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर देखो फटाफट बहुत जल्दी हम करने वाले हैं पेपर का देखो अगर हम यहां देखेंगे आयुर्वेद महोत्सव दो झांसी में हुआ था और जो एग्जाम्पल बेस पे ताज महोत्सव आगरा में होता है राजधानी लखनऊ में नहीं होता है स्टेटमेंट ये रोंग है तो आंसर क्या निकल के जाएगा इसका एज राइट ऑप्शन देखो देखो मधुबनी को पकड़ लो कहीं पर जाके मधुबनी कहाँ पर है बोलेंगे सर मधुबनी कहाँ है बिहार में देखिए पहले का चार है और यार सबका चार है बड़े खतरनाक पॉइंट बोल रहा है फिर लेछापी कहाँ है आंध्र प्रदेश का है तीन है अच्छा दो में तीन बढ़ गया चलो ठीक है पटावी कहाँ पर है बोलेंगे सर पटावी जो यहाँ पर निकल के आ रहा है यहाँ पर उड़ीसा में है बार्ली कहाँ महाराष्ट्र में तो आंसर क्या है डीज राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है राइट नेक्स्ट आपके सामने देखो ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है सबसे पहले क्या होती है? अवरक्त होती, है, रेयर होती है फिर कौन सी होती है एक्स रे होती है सबसे हास्ट में रेडित रंगे आंसर क्या है इसका 90, 90? 97 की बात करते हैं उत्तर संगीत नाट्य अकादमी के स्थानीस पैसठ में की गई थी भाई साहब नहीं की गई थी ये भी रोंग है वाराणसी में है

भुक्ति होती है विषय होता है बीत होता है और ग्राम होता है गुप्त काल में जो जो बच्चे वेदांग में पढ़े होंगे वो देख पा रहे होंगे देखेगा यहाँ पर आंसर क्या है तो क्या निकल के आ जाएगा इसका एज राइट ऑप्शन देखेगा क्वेश्चन नंबर है एक आपके सामने ही रहा अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न कथ पर विचार करिएगा भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के क्षेत्रों को डिफाइन कर सकता बिल्कुल सही बात है सलाहकारी डीपीएसपी DPS, के बारे में इतना आसान प्रश्न पूछा है सभी लोग सही करके आए होंगे ये न्यायालय में नहीं लेके जा सकते हैं बिल्कुल सही है राज्य के कर्तव्य होते हैं दोनों स्टेटमेंट सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं एक सौ तीन की तरफ इसके बारे में किसी एक को पकड़ लो मजा आ जाएगा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पहले का क्या है मध्य प्रदेश में है खरगोन कहाँ पर है बोलेंगे सर ये निकल के बिहार में आ जाए कोरबा कहा छत्तीसगढ़ में है कुंडी कहाँ कर्नाटक में आंसर क्या है इसका बीस राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक कोयले के बारे में पूछ रहा है और खतरनाक क्वेश्चन है बहुत आराम से सिमिलर वे में कर सकते हैं दुनिया के कोयले गृह उत्पादन में एक कौन सा राज्य है बोलेंगे सर पहला राइट है झारखंड छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं ये भी सही है अच्छा आप ये देख पा रहे हो एक ध्यान रखना यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो अब आप एक ही सीनियर पे लेके चल रहा है आपने देखा होगा बहुत सारे फैक्ट जो है यूपीपीसीएस की तरह यूपीएससी की तरह यूपीएससी भी घुमा घुमा के ला रहा है तो सत्रह मार्च का जो एग्जाम है ये भी भाई साहब बड़ा खतरनाक मोड में होने वाला है जब तक कंसेप्ट अगर रेडी नहीं है तब तक काम नहीं चलेगा और जिस तरीके से आर ओ आर ओ को लेकर आपके सामने मैंने बहुत सारी मेहनत की थी इसी तरीके से आपके साथ पी सी एस को लेकर तीन सार चीज़ कल से स्टार्ट कर रहा हूँ जो बच्चे अभी भी अगर ज्वाइन नहीं किए हैं यहाँ पर तो कोशिश करिएगा अब ज्वाइन करने की जिससे कि अब आपका आर ओ का एग्जाम हो चुका है अब अच्छी बातें अगर हो रहे होंगे प्रिलम्स हो जाएगा तो अच्छी बात है नहीं तो पी अगर आपने भरा है तो इस इसके प्रोग्राम के साथ जरूर चलेगा जो कि ये रहा आपके सामने यूपी पीसीएस सी एस प्रॉब्लम्स का ये अभी भी आपको छः सौ में मिल जाएगा यहाँ पर मैं कल से क्लासेस बिल्कुल प्रॉपर वे में लेके चल रहे हैं इसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे इसमें आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी इसमें घटना चक्र का प्रोवाल पूरा मैं कराऊंगा साथ में यहाँ क्लासेस मिल जाएंगी तो इसको आज ही ज्वाइन कर लें सिंड्रेड में जहाँ पर इसकी आज अगर आज ज्वाइन करते हैं तो इसके साथ अगर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है यू पी के प्रॉब्लम टेस्ट जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा ये एक प्रकार से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और इस तो फटाफट तो अच्छा इसको भी निपटाते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो गया एज राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 104 देखो 104 में क्या है यहां पर देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था हर आदमी कर सकता था जनसंख्या दिवस 11 जुलाई है ना

कल के पश्चात के बाद कौन सा दिन होगा एक प्रकार से कह सकते हैं आपसे पूछा गया है तो यहाँ बड़े आराम से निकाल सकते हैं आंसर क्या इसका संडे निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर एक 108। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त होती है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और उस शर्त का उल्लंघन करने पर कहीं का अधिकार देने का प्रयास करते हैं दोनों स्टेटमेंट सही है आंसर क्या देखिएगा मीना काटा बहुत बार पूछा गया है भाई मरकरी के लिए देखाओ नहीं आपने खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है कि कई बार ये मरकरी के यहाँ पर देखने का प्रयास करा तो आंसर क्या है इसका मरकरी प्रदूषण तो के लिए हम लोग यहाँ पर मेरा काटा क्वेश्चन नंबर एक सौ दस का क्या है ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर प्रयास करिएगा तो आंसर क्या निकलेगा रबर का यंग गुणांग स्टील की तुलना तो में अधिक होता है सही स्टेटमेंट है कुंडली का खिजाब करते समय अब रूपण गुणांग के द्वारा नहित करते हैं ये भी स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या है इसका राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक सौ ग्यारह देखो हाल ही में आपने देखा होगा ये कल परसों टेस्ट में भी आपने देखो लगातार हम चर्चा कर रहे थे और ये लार्डमियों ने उन्नीस सौ बहत्तर अठारह सौ बहत्तर में जनगणना की थी बिल्कुल ठीक है अगर बात करेंगे तो ब्राजील लोको दो हजार तेईस में देश की प्रतिभा सही रूप से शामिल किया गया था नहीं है ये दो हजार तेईस की बात करेंगे संरक्षण के बारे में चर्चा कर रहा है तो उन्नीस सौ बहत्तर के सापेक्ष में रोंग ऑप्शन है एलिफेंट प्रोडक्ट जैसा उन्नीस सौ तिहत्तर में लेके आए थे आंसर दो इस सही है तो आंसर यहाँ से निकल के आ रहा है रमेश की लंबाई के बारे में अगर आपसे तो पूछा नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर एज राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा कुछ नहीं करना घनत्व के बारे में अगर आपसे पूछा गया तो पहले क्या है इसका देखिएगा बिहार है पश्चिम बंगाल है केरल है और यहाँ पे क्या है उत्तर प्रदेश है यानी ये कुछ बच्चे लगा रहे होंगे लेकिन आंसर क्या है इसका डीज राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 116 देखो अभी हाल ही में देखो ये बन रिपोर्ट से डायरेक्टली स्मार्ट सिटीज के बारे में आपने देखा होगा तो मेजबानी इंदौर ने किया था सप्तम्बर मही में स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में ही हुआ था आंसर क्या है इसका एज राइट ऑप्शन निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर देखते हैं वन की वन सेवेंटीन में अगर हम लोग सीक्वेंस देखेंगे तो पहले लेक्स लोकिन अधिनियम निकल के नहीं आता है पहले यहाँ पर जो निकल के आता है हाँ ये उसके बाद आता है बंगाल टेनिस अधिनियम फिर आता है यहाँ पर आयु सहमति अठारह सौ लगभग बयानवे के आसपास और विशेषा एक्ट निकल के आता है। तो आंसर क्या है राइट ऑप्शन क्योंकि ये ती, तीनों सिक्वेंस दे रखे हैं चारों एक की बात कर लेते हैं

मैगजींस के लिए अगर देखा जाए तो श्रीकुलमल अब जैसा कि बेलारी या शिमोला ये क्या है उपरिंद क्षेत्र के कर्नाटक में स्थित है लेकिन श्रीकुलम यहाँ पर स्थित नहीं है तो आंसर क्या है इसका डीज राइट ऑप्शन हाल ही में आपने देखा होगा सीरिया एक प्रकार से बड़ा गंभीर रहा तो अरब का प्रायद्वीप ही नहीं है तो आंसर क्या है इसका फोर आंसर ओनली सीरिया इसका आंसर होगा अगर चंद्रयान थ्री के बारे में बात करेंगे तो एम जी एल के बारे में बात कर रहा है तो आंसर क्या है इल्सा इसका एज राइट ऑप्शन निकल के आ रहा है बात करते हैं इलाहाबाद बैंक की तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना अठारह में की जाती है उसके बाद यहाँ नेशनल बैंक की अठारह सौ में की जाती है और अवध काउंसिल के अठारह में शिमला बैंक की चौहत्तर में तो आंसर क्या है इसका एक सौ फटाफट एक सौ चौबीस की एक की 124 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के बारे में आपसे पूछ रहा है एम पीलेडा के संदर्भ में तो एमपिलेडा की स्थापना उन्नीस सौ में हुई थी कलकत्ता मुख्यालय दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है एक प्रकार सही आंसर क्या है इसका डी राइट ऑप्शन देखो एक सौ पच्चीस की बात करते हैं खतरनाक मोड में मिल रहा है यहां पर पहले की बात करेंगे दो हजार इक्कीस में गरीबी कल्याण योजना जैसे कि कोरोना आता है उस समय स्टार्टिंग की जाती है तो ये इसका स्टेटमेंट क्या है डी इज राइट ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन पहले का चार है पहले का चार कहीं नहीं दिख रहा तो आ, आंसर क्या लगा सॉरी गरीबी कल्याण दो हजार बीस में की थी सॉरी सॉरी दो हजार बीस में किया था मुस्कान कब किया था तो ये मुस्कान दो हजार इक्कीस में किया था मिशन इंद्रधनुष के बारे में दो हजार चौदह में किया था जन आरोग्य दो हज़ार अठारह में किया था आंसर किया इसका एज राइट ऑप्शन देखो व्यवसाय की जो भाषा है एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर व्यवसाय की एक भाषा है जैसे कि व्यवसाय एक बिजनेस की भाषा है आंसर सही है यहाँ आवश्यक सामग्री के रूप में सूचना प्रदान करते हैं यही रोंग है तो आंसर क्या है ए इसमें क्या है ए सत्य है डी आर क्या है सत्य है निकल के आ रहा है देखो गुर्दे में जो पथरी होती है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है ऑक्सीट की होती क्रिस्टल के रूप में तो आंसर क्या है इसका बी एक सौ अट्ठाइस की बात करेंगे एक सौ अट्ठाइस के बारे में आपसे पूछ रहा है कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च तापमान के कारण होता है बिल्कुल सही बात है आमतौर पर इसमें जो नाइट्रोजन और फास्कोस की क्या कमी होती है सही स्टेटमेंट है दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से आंसर क्या है इसका एज राइट ऑप्शन देखिएगा एक सौ उनतीस के बाद प्रथम तो तो मानव के बारे में आपसे पूछ रहा है लेजर नीले रंग का नीले रंग का नहीं होता लाल रंग का होता तो आंसर क्या है इसका दो ओनली दो सही आंसर क्या है देखा होगा हानविल कहां नागालैंड में अगर नागालैंड में है तो पहले का चार ऑप्शन निकल किया जाएगा ये दो लोग कट जाएंगे देखो उसके बाद बात क्या कर रहा है यहाँ पर संगाई कहाँ पर है मणिपुर में दो, दो का दो दो का दो कहां पर है सी इज राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एक सौ इकतीस की बात करेंगे तो यहाँ क्या यूरोप के किस देश में राजधानी नहीं है देखो सिमिलर वे में अगर हम लोग बात करेंगे राजधानी नहीं है तो यहाँ रीगा और रोनटाम और जूरिक यानी इसका जो सही आंसर निकल के आ जाएगा वो जूरिक भी नहीं है तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा रोंटन जूरिक तो नहीं है दो और चार तो दो और चार इसका आंसर है यानी डी राइट ऑप्शन होगा यहाँ इसने मिस्टेक कर रखा है अगला क्वेश्चन हम 132 की बात करेंगे 132 में अगर देखेंगे तो झूमिंग झूमिंग के बाद दक्षिण पूर्वी है मैक्सिको है लद्दाख नहीं लद्दाख जो है श्रीलंका नहीं है तो आंसर क्या इसका? है इसका बी इज राइट ऑप्शन देखिएगा तैतीस की ऑपरेशन करंट अफेयर का क्वेश्चन है डायरेक्टली अगर पूछा गया ये आपसे तो यहाँ क्या है विदेश मंत्री जयशंकर ने इसका स्टार्ट किया था बिल्कुल सही बात है इसराइल से लोगों को फंसे लागने का प्रयास किया दोनों स्टेटमेंट सही है आंसर क्या है इसका एज राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे बेटा एक की तरफ ये बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया है फैक्ट में पूछा एक सौ चौबीस में जो है सुप्रीम कोर्ट के, के, तो तो के बारे में अपीलिय के आसपास है 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 तो तो इसलिए ए ए स्टेटमेंट रोंग आंसर क्या इसका इज राइट ऑप्शन बाकी सब सही पिछवाई चित्रकला के बारे में आपसे पूछ रहा है तो यहाँ कृष्ण के बारे में सी इज राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है अगर हम बात करेंगे साइमन कमीशन दो बार भारत आया था तो ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन साहब यहां पर बोल रहा है कि दूसरी बार दौरा किया था ये स्टेटमेंट रोंग है तो आंसर क्या ओनली एक सही है देखिएगा इस स्टेटमेंट जाएंगे तो इसका आंसर आप मैचिंग कर लेना इसमें कुछ मैचिंग किया गया इसका आंसर एक सौ तो सत्रह स्पष्ट है एक की बात करेंगे तो एक में क्या एक बटे दो तीन बटे चार पाँच बटे आठ सात बटे ग्यारह तो यहाँ क्या हो जाएगा नौ बटे एक दो चार आठ सोलह बत्तीस तो ये नौ बटे बत्तीस आंसर क्या है इसका इज राइट ऑप्शन देखिएगा िस की बात करते हैं तो ये वाराणसी में है, वाराणसी में नहीं है कृषि प्रणाली अनुसंधान तो आंसर क्या है इसका राइट ऑप्शन देखिएगा। बात लास्ट ऑप्शन आपके सामने निकल के आ रहा है लोड गर्जन के द्वारा कलकत्ता नगर अधिनियम की घोषणा की थी दोनों स्टेटमेंट सही आंसर क्या इसका सीज राइट ऑप्शन देखिएगा क्लियर एक बार कमेंट करिएगा कि इतने क्वेश्चनों पे हम लोगों ने अभी तक क्या किया डिबेट किया है कमेंट करके बताएं हिंदी को भी अभी अगर कर लेंगे, तो फिर वहां से सोल्यूशन मिल जाएगा अगर, अगर आप जीएस में सेवेंटी फाइव क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं और हिंदी में पचास क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं तो मान लीजिएगा कि आप मीन लिखेंगे बिल्कुल सियोर है देखिएगा राइट अभी करें कमेंट करें फटाफट जल्दी से अभी करें या बाद में करें अभी कर लेते हैं उसको भी बीस पच्चीस मिनट लगेंगे जिससे कि आपके दिमाग में पूरी पिक्चर यहां से बन जाएगी चलो आप भी कमेंट करना देखते हैं कि तुम लोग कितना कमेंट करते हैं उससे लगेगा जी कि आपने उस चीज को द्वारा याद किया रिकॉल किया उससे आपको ये भी फील यहां से हो जाएगा अभी करें क्लैपिंग कर दो एक बार यार एक बार क्लैपिंग कर दें अभी करते हैं हाँ, प्रांचल कल से हम आपके साथ हैं चिंता ना करें एक को कर दो यार चलिए तो हिंदी पे बात करते हैं आप लोग भी कमेंट करना और हिंदी के पेपर को हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं चलिए हिंदी का पेपर भी आपके सामने यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा कि आप देख पाएंगे कि हां हिंदी में काफी कुछ यहां पर देखने को मिलेगा चलो बताओ सब लोग पहले का आंसर क्या है? फिर उस पर डिस्कशन करते हैं बताइए पहले का आंसर क्या है तो बताइए हिंदी का सोल्यूशन करते हैं एक बार क्लैपिंग कर दें तो इसका आंसर क्या बताओ निम्नलिखित में से बिलोम शब्द का अशुद्ध शब्द पूछा देखिएगा अगर हम अशुद्ध शब्द की बात करेंगे तो इसका स्टेटमेंट सब लोग बताएं वन टू वन करके चलते हैं निम्नलिखित में से बिलोम शब्द का अशुद्ध शब्द क्या पहले का स्टेटमेंट देखिएगा अगर हम अधिक अधि action, अध ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अध उपी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसित और अलम बिल्कुल सही है तो यानी इसका क्या आंसर निकल के आ जाएगा बोलेंगे सर बीज राइट ऑप्शन इसमें दो ऑप्शन जा सकते हैं ए की तरफ भी बी की तरफ भी ये अभी कन्फ्यूजन में लग रहा है मुझको भी और तुमको भी मुझे लग रहा है राइट तो आंसर अब इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने देखते हैं टोक्स नंबर टू बताओ रात्रि का पर्यावाची देखो खतरनाक रात्रि का पर्यावाची पूछा गया अच्छा दिखाई तो सबको क्लियर दे रहा है ना कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा सर बिल्कुल क्लियर दे रहा है कि हम इसको देख पा रहे हैं और बिल्कुल इसको कर भी पाएंगे तो रात्रि के पर्यावाची की बात कर रहा है रात्रि का प्रवाची बहुत खतरनाक क्वेश्चन देख लो रात्रि का प्रवाची देखे रात्रि का प्रवाची होता है सबरी बाकी सब जितने भी हैं चपला है क्षण प्रभा है सुदामनी है ये किसके हैं साहब ये बिजली के पर्यावाची हैं किसके हैं ये बिजली के प्रयावाची हैं तो आंसर दूसरे का क्या है? बोलेंगे सर बीज राइट ऑप्शन देखिएगा तीसरा बरसात बिल्कुल ना होने की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द को बरसात जब नहीं होती है तो क्या बोलते हैं उसको हम अनावृष्टि कहते हैं अकाल तो जब सूखा पड़ जाए या कुछ और समस्या आ जाए ये सब अकाल अलग प्रकार घटनाएं हैं अल्पवृष्टि और ये अनवृष्टि अलग शब्द हैं तो यानी आंसर क्या लगाएंगे इसका तीसरे का बीज राइट ऑप्शन देखिएगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं अवसाद खतरनाक क्वेश्चन देखो अवसाद अवसाद मतलब सिमिलर वे में जाएंगे तो अवसाद समस्याओं का जन्म है यानी दुखी है और तो इसका अनादर है उदास है अनुलास है तो सेम बर्ड हो तो क्या हो जाएगा उल्लास तो आंसर क्या है इसका तीसरे का चौथे का बीज राइट ऑप्शन

बाकी कांच है काट है कांटा अलग अलग वर्ड है देखो बड़ा खतरनाक पॉइंट मिल रहा है कि क्वेश्चन नंबर कितना है सेवन है सेवन का आंसर बताओ तो फटाफट दबा के क्या निकल गया जाएगा पत्थर को प्रस्तर कहते हैं बिल्कुल सही है अगर बात करेंगे भोजाई तो भोजाई का क्या निकल के आ जाएगा बोलेंगे सर भोजाई निकल के आएगा सौभाग्य सुहाग भात्रजा धुआं जैसा कि धूम कह सकते हैं तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा बोलेंगे सर इसका बीज राइट ऑप्शन सातवें का सातवें का बीज राइट ऑप्शन देखिएगा का भी, का वेरी गुड। देखते हैं देखो आठवीं का देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिए घुमा घुमा के लेकिन हिंदी to, तफ है। और प्राकृतिक संस्कृत से, से थोड़ी होते हैं यहाँ पर एक प्रकार से तत्सम से होते हैं तत्सम जो संस्कृत के वर्ड होते हैं इसलिए तो रूंगे आंसर क्या का लगाएंगे इसका एज राइट आर गलत है तो आंसर क्या आठवीं का ए राइट

देखो भीतर 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 का का पूछा गया कितनी बार क्या क्या बताएंगे बताओ दस में एक आंसर बताइए खतरनाक करना ही नहीं है विशेषण की जो विशेषता बताए क्या बोलते हैं उसको प्री विशेषण देखिएगा कितनी बार मैंने बताया था क्लास में अगर बात करेंगे तस्म तब्ध की दृष्टि से कितना क्या है कौन सा योग्य त्रुटिपूर्ण है क्वेश्चन नंबर ग्यारह पूछा बारह पूछा गया तो ग्यारह का ए हो गया बारह का बताइएगा देखो बारह का वचन बिन ठीक है प्राण पुराना ठीक है गंभीर गहरा ठीक है करपट कपाड़ तो यानी किसका होता है बोलेंगे सर ये करपट कित का होता है किवाड़ का होता है तो यानी आंसर क्या है इसका डीज रो तो राइंग ट्रुटी है बारे गड्डी तेरे का तेरे के बारे में बात करते हैं कौन सा युग्म जो है विप्रार्थी नहीं है देखिए विप्रार्थी कौन सा युग्म जो है इसमें विप्रार्थी यानी विलोम शब्द नहीं आपसे यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बताओ तेरे का सिंपल वे में देखो तरल का ठोस होता है कठिन का सरल होता है कर्कश का मधुर होता है लेकिन कोमल मृदुल एक ही बात निकल के आ रही है तो यानी आंसर क्या है इसका तेरे का इज राइट ऑप्शन ये गलत ऑप्शन है यानी त्रुटिपूर्ण है क्वेश्चन नंबर चौधह आपके सामने मच्छी का अरे बापरे कितना खतरनाक मच्छी का मतलब मक्खी चौधे का आंसर आप बताइएगा का आंसर का 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 कितना खतरनाक मक्खी मतलब क्या होता है मक्खी का, मच्छी का कहते हैं वह खंबा गिर जाएगा वह परिणाम थोड़ी देखिएगा यह है, वह है, सब जितना भी क्या आता है निश्चय परिणाम वाचक आता है तो कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा डीज राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने यह रहा सोलह बताओ सोलह का आंसर क्या सोलह पूछा व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं खतरनाक क्वेश्चन देखिए सोलह का बताओ आंसर क्या है भाई व्याकरण का ज्ञान जो रखना रखता है उसको व्याकरण थोड़ी कहते हैं व्याकरण थोड़ी कहते हैं व्याकरण है, नहीं थोड़ी कहते हैं व्याकरण ही बोलते हैं तो आंसर क्या इसका सोलह का डी इज राइट ऑप्शन देखिएगा प्रत्यक्ष के बारे में कई बार पूछा भी गया है सोले का सोले का आंसर खतरनाक प्रत्यक्ष के बारे में कई बार पूछा गया प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं होगा तो, हो हो तो आंसर ये कई बार मैंने पूछा है तो आंसर क्या इसका है इसका बी राइट ऑप्शन सत्रह का देखो घोटक घोटक मतलब घोड़ा तो अठारह का आंसर क्या हो जाएगा अश्व अश्व मतलब उसका पर्यावाची क्या हो जाएगा एज राइट ऑप्शन देखो शुद्धवर्ती अनुग्रहती कई बार पूछा गया दिखेगा अनुगृहती नहीं, नहीं है अनुगृहती नहीं है अनुगृहती नहीं है आंसर अनुग्रहित है इसका राइट ऑप्शन शुद्ध वाक्य बताना को कितनी बार पूछा है आपको याद है बताइए क्लियर कितनी बार पूछा है हमने इसको है ना तो क्वेश्चन नंबर यहां पर ये रहा समाज देखो समाज के बारे में पूछ रहा है भाई समाज के बारे में अगर पूछ रहा है सिमिलर वे में समाज क्या क्या होगा ब्यास होगा कुछ नहीं करना देखो सुरसता सुरसुता कई बार पूछा गया सुरसुता किसका होता है भाई खतरनाक क्वेश्चन पूछने को मिल रहा है सुर, सुर, किसका होता है बताओ इक्कीस का आंसर तो बोलेंगे सर ये यमुना का होता है कुछ नहीं करना नारिकल का नारिकेल यानी आंसर क्या है इसका सीज राइट ऑप्शन अब देखो खूबसूरत और काला ईरानी अब देखो खूबसूरत ये भी विशेषता है काला भी विशेषता ईरानी भी विशेषता है तो यानी तीन विशेषण है इसमें देखिएगा

तो कुछ नहीं करना रूक्ष विश्व का विलोम शब्द होता है देखो ईश्वरीय कर्कश मधुर ब्रज रुक यही का लौकिक थोड़ी होता है साहब तो आंसर क्या है इसका का 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 बोलेंगे सर आंसर निकल के आ जाएगा डी डी ऑप्शन ये है कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है परितज्ञ क्या होता है तो बताओ सत्ताइस का आंसर क्या है परितज्ञ क्या होता है बताओ परितज्ञ मतलब उस स्त्री के जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है उसको परितज्ञ कहते हैं त्याग कर दिया गया हो यानी सीज राइट ऑप्शन

रण को हम लोग क्या बोलते हैं हरित की कहते हैं तो तीस का आंसर क्या निकल के जाएगा बोलेंगे सर हरण। हरण, तो ये सांप का दिखेगा किसका सांप का सर्प का तो आंसर क्या है इज राइट ऑप्शन देखो हिंदी बिल्कुल मस्त थी बिल्कुल प्रसंग प्रशंसा का विलोम पर्यायवाची क्या होगा कुछ नहीं करना प्रशंसा का पर्यायवाची क्या है कृषांगू है

से उत्पन्न कई बार बताया था दिन देखो अंडा जी ये सब चीज बताया थी, से होता है। आंसर क्या है बोलते में, में हैं उसको स्तर कहते हैं तो आंसर क्या है इसका एज राइट ऑप्शन देखिएगा अब ये खतरनाक पॉइंट है थर्टी सेवन में सब बच्चे भ्रमित हो रहे होंगे कि दृश्य मनोरम तो भाववाचक भाई साहब भाववाचक विशेषण कौन सा होता हमको बता दीजिएगा कौन सा होता है गुणवाचक मनोरम मतलब एक गुण बता रहा है मनोरम मनोरम तो ये हमने खुद अपने उसमें पूछा गया है में, तो ध्यान रखिएगा उनतालीस अड़तीस तो का बताइए आंसर क्या है अड़तीस का तो ओरस का मतलब क्या होता है बताए कमेंट करके अड़तीस ओरस का मतलब क्या होगा तो दत्तक यानी राइट कामदेव कामदेव के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है खतरनाक है तो कामदेव को क्या बोलते हैं देखिएगा पुष्प धनबांद नहीं कहते हैं बाएं हाथ से ती चलाने वाला दो पॉइंट इसमें बाम, बाम और सभ्य इस साची लेकिन इसका आंसर क्या है सभ्य साची आंसर क्या है इसका इज राइट ऑप्शन ब्रतनी की दृष्टि से देखिए कुआ को ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं देखिये है ना अतिथि ऐसे लिखते हैं अरे वाह आकार ऐसे लिखते हैं ना जी ना आंसर क्या होगा बधु तो सी इज राइट ऑप्शन देखिएगा भोजन देने की व्यवस्था नित्य उनको क्या बोलते सदावर्त कई बार क्वेश्चन पूछा तो क्या हैं सदावर्त आंसर क्या है इसका एज राइट ऑप्शन देखो कितने जबरदस्त क्वेश्चन देखने आंसर क्या है। थ्री। जिसे कभी बुढ़ापा ना देखिए क्या अजर बोलेंगे अमर बोलेंगे अजर जिसको कभी बुढ़ापा आए संदेह का विशेषण क्या होगा खतरनाक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है संदेह का विशेषण क्या होगा संदिग्ध होगा है ना संदेह प्रतिबिंब किसका होता है बोलेंगे प्रतिबिंब का होता है आंसर क्या इसका डी राइट ऑप्शन देखो खतरनाक तत्सम कौन सा शब्द देख रखा है देखो गेंद नहीं होगा सगुन शगुन का सगुन होता है कैसा होगा सगुन ऐसे लिखेंगे सगुन है ना तो आंसर क्या है ये तत्सम है तो यानी छियालीस का बी एंड पैतालीस का डी नंबर पर चलते हैं 47 की तरफ तो है, है? right right निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं अरे मिष्ठान के लिए मिष्ठान के प्रिय मिष्ठान के लिए प्रिय होते हैं महान लक्ष्मी बाई राम की क्या थी क्या क्वेश्चन है इसको पूरा देखते हैं लक्ष्मीबाई क्या थी गंगाधर राव की महसी थी महसी थी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्यों क्योंकि तो महसी थी या पत्नी थी रानी थी महारानी थी सब लिख दो चलेगा बट आंसर क्या है इसका राइट ऑप्शन देखो जंगम का कितनी बार कि जंगम का तो हर इंसान जानता है भाई जंगम का क्या होता है स्थावर तो आंसर क्या है इसका डीज राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहां से वो फिफ्टी की तरफ चलते हैं निम्नलिखित में से आवर्ती यहाँ से पूछा गया से से है निम्नलिखित में से आवर्तीवाचक विशेषण नहीं आवर्ती देखो दो गुना तीन दो, गुना चार गुना पांच गुना ये सब कुछ थोड़ी है देखिएगा तो आंसर क्या है इसका बी द्रौपदी का प्रयावची नहीं है कुछ लोग यहाँ पांचाल लगा का लेकिन पांचाल इसका कहेंगे नहीं है देखिएगा बाकी सब है है तो आंसर क्या इसका, इसका इस राइट ऑप्शन अवनि देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया अब् खतरनाक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा तो अब्बनिक का मतलब अचला होता अचला मतलब अब् मतलब पृथ्वी पृथ्वी का क्या होता है अचला होता है आंसर क्या है इसका इज राइट ऑप्शन देखो विद्युत का प्रयावाची देखिएगा खतरनाक क्वेश्चन मिल रहा है विद्युत का विद्युत के बारे में अगर आपसे पूछा गया तो क्या होगा दामनी होगा है ना ये सब क्या होगा दामनी होगा आंसर क्या है इसका बी चलो जी खतरनाक क्वेश्चन नंबर 54 क्या लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव की दृष्टि से युग्म त्रुटिपूर्ण त्रुटि मतलब गलती है अब यही क्वेश्चन आपको पकड़ना है देखो फिफ्टी फोर का आंसर बताओ क्या है जैसा कि अगर हम देखेंगे करकट का केगड़ा होता है बिल्कुल सही है पिप्पल का पिप्पल होता है लेकिन जंगजाल का जंजाल नहीं होता है ये बिल्कुल सही है आंसर क्या निकल के जाएगा उसका बीच राइट ऑप्शन देखो अब तुम्हें इसको पकड़ना है देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव का पकड़ो क्या फिफ्टी फाइव का आंसर बताओ कमेंट करके जल्दी से और फिफ्टी फाइव का आंसर देख लेते हैं क्या निकल के यहाँ से आ जाए कुछ करना ही नहीं है वन टू वन करके करना है किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां से चीजों को बैलेंस आपको करना होता है और कुछ नहीं करना होता देखो ऐतिहासिक क्या होती है घटना होती है ठीक है विदुषी क्या होती है महिलाएं होती हैं ठीक है उसके बाद यहाँ मेहनती कथाएं होती हैं रोचक पुस्तकें होती हैं तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा बोलेंगे सर डीज राइट ऑप्शन देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं फटाफट छप्पन का आंसर उचिष्ट का उपयुक्त विप्रार्थी शब्द क्या निकल के आ रहा है उचिष्ट का विप्रार्थी शब्द क्या निकल के आ जाएगा कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना क्या होता है अनुचिष्ट होता है तो आंसर क्या राइट ऑप्शन अब देखो पे क्वेश्चन क्या हुआ है सत्तावन का आंसर देखने का प्रयास करें क्या है कुट वाक्यों में आपको बताना है संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए सुधांशु ने दूध और रोटी खाई दोनों स्टेटमेंट आपको सही नहीं लग रहे हैं बिल्कुल सही लग रहे हैं लेकिन राम ने बैल और घोड़ा मोल लिए मोल लिए अरे बाप रे तुमने रुपए दिया तुमने रुपये दिए अच्छा ठीक है ये रोंग है तो आंसर क्या निकल कर जाएगा बीज राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर अट्ठावन आपके सामने लोचे क्या लिखा है अट्ठावन को देखने का प्रयास करें क्या है आपको यहाँ पर अशुद्ध आपको चाहिए आपको चाहिए कि आप रोगी को देखने आए इस वाक्य में शुद्ध रूप कौन सा होगा भाई समझो आपको चाहिए कि आप रोगी को देखने जाए चाहिए था, था लगा है गए नहीं बात नहीं चलेगा आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने आते आंसर क्या सी एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन इसको भी पकड़ लीजिएगा आपके सामने पूरा सिक्सटी क्वेश्चनों का निकल के जाएगा देखो कुछ नहीं करना फिफ्टी नाइन में एक को पकड़ लीजिएगा यहाँ सुमित नहीं है घर का गंधर्व होता है आंख का लोचन होता है इंद्र का प्रोधन लेकिन गंगा का मृगांग नहीं होता है आंसर क्या है इसका डीज राइट ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा लास्ट का क्वेश्चन आप लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा देखिए अप्रत्याशित किसे कहते हैं लास्ट वाले का आंसर आप बताओ बताइए साहब लास्ट वाले का आंसर आप लोग बताओ इसका आंसर क्या है लास्ट वाले का आंसर आप बताओ यहां से का आंसर बताओ बिल्कुल अप्रत्याशित जिसकी कोई आशा ना की गई हो आंसर क्या है इसका डी राइट ऑप्शन देखेगा तो ये रहा पूरा कंप्लीटली तो अगर आपको अगर पीसीएस के लिए लगना है तो अभी एल लर्निंग एप्लीकेशन पर जाके आप उसके साथ जुड़ सकते हैं अच्छा अब बताइएगा ये रहा पूरा एल लर्निंग एप्लीकेशन यहाँ से इसको डाउनलोड करके सब चीज़ें कर सकते हैं पेपर कैसा हुआ ये सब आप जानते हैं अब बात ये निकल के आती है कि सर मेरिट कितना निकल के जाएगी आपको क्या लगता है मेरिट कितना जाएगी बताओ कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि मेरिट कितना जा सकती है कितना जा सकती है मेरिट बताइए तो ठीक है हम लोग कल से आपके साथ तैयार हैं यूपीपीसीएस के साथ और यूपीएससी के साथ उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आज रात में टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे बाकी कल जो भी चीज़ें चर्चा करनी स्टार्टिंग करेंगे वहाँ से अपनी जर्नी को वहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे राइट तो मुझे लगता है कि बाकी सब चीज़ें आपके सामने चल रही हैं तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं और आसार ये है कि मैरिड अगर संभवतः अगर जाती है तो लगभग वन के अराउंड वन के अराउंड जाने का पूरी संभावना है बाकी आपने अभी तक कितने क्वेश्चन आपने अभी सही किए हैं पेपर लीक है नहीं है वो है बेटा वो सब आयोग का मैटर है आप ये बताइएगा आपके हिंदी में कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके आप और जीएस में कितने सही हो रहे हैं आप सभी लोग अपने कम जरूर अगर आपने चेक हैं तो बताएं बताएं कितने कितने सही हो रहे हैं देखिएगा जब तो लगेगा अनुमान कि आपने कितना सही सही बताना आप हिंदी में लगभग मान के चलें फिफ्टी सही कर लेंगे हो गए होंगे सबके ऑलमोस्ट फोर्टी फोर्टी फाइव से लेकर फिफ्टी के बीच में आप लोग रहे होंगे नाइन्टी सेवन अगर जीएस में हुआ है तो अगर यहां पर एट्टी हुआ है आप मान लें कि अगर एट्टी सही हुआ है 75 फाइव से लेकर एट्टी सही है तो आप बिल्कुल सियोर हैं इस चीज को भी जोड़ लेंगे तो वन के अराउंड अगर मैं कहूंगा तो मेरे पास छूने का प्रयास के आसपास करेगी राइट तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है सारी क्लासेस का आज रात में शेड्यूल होने के बाद आपको शेयर कर देंगे तो नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया उस पर जरूर सब लोग ज्वाइन कर लें और एल लर्निंग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें इसके साथ आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच के साथ जा सकते हैं तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का तो उसके साथ जा सकते हैं सारे बैचेस हमारे कल से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है तो मेरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने लगभग हिंदी में पचपन और जी में सेवेंटी बिल्कुल चांस है बेटा बहुत आराम से चांस है वन से मेरिट कभी नहीं जाएगी ऊपर मैं ओपनली बोल रहा हूँ ठीक है सेवेंटी अगर आपने किया है और फिफ्टी वहाँ किया है तो वन ट्वेंटी हो जाएगा हिंदी में पचपन सीखें रे बा तो ठीक है आप लोगों से मिलते हैं कल से बैक टू बैक करके सारी क्लासेस के साथ एक बार सब लोग क्लैपिंग कर दीजिएगा ऑल द बेस्ट एंजॉय करते हैं है ना और अगर आप के नंबर कम आ रहे हैं अभी ये मत मानिएगा कि क्या होगा कैसे होगा लेकिन धीरे बनाए रखिएगा ये जिंदगी का एग्जाम नहीं था ये सिर्फ एक आरओ का एग्जाम था ज़िंदगी के बहुत सारे एग्जाम रहते हैं तो अगर किसी कारणवश अगर आपके हंड्रेड से नीचे नंबर आ रहे हैं तो आप इतने हताश ना हो तो क्योंकि जिंदगी में हमें पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है तो जरूरी ये नहीं कि इस एग्जाम की वजह से अगर आप कुछ ऐसा करें जिससे कि हम पढ़ाई छोड़ दें जैसा कुछ और करें आपके अंदर जो कमियाँ आपने देखी हैं उनको लिखो पॉइंट करो उनको वन टू वन करके काम करिएगा और ये सच बताओ कमेंट कर सभी लोग जितने भी मैराथन चल रही थी यूट्यूब पे देखा होगा आप लोगों ने हिंदी में तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले थे तो शो टाइम वाली जो तैयारी होती है हो, हो आप मानते भी होंगे तो इसलिए जरूरी है तो जरूरी क्या है मतलब आप अपने आप को बिल्कुल टू द पॉइंट लेके चलें बिल्कुल डीप में लेके चलें लॉन्ग टाइम स्टडी करें एक महीने दो महीने या दस दिन बीस दिन से कभी एग्जाम कोई निकलता नहीं ध्यान रखना और जो बच्चे अगर 120 ट्वेंटी के ऊपर आ पा रहे हैं 120 के ऊपर आ पा रहे हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है अभी बहुत दो चार दिन में ऑफिस आंसर किया जाएगी उसके बाद उनका मेंस होगा तो उन मेंस के लिए कम्प्लीटली आपको कहीं कहीं नहीं जाना है सौ बच्चों का हमारा टारगेट रहेगा उन सौ बच्चों को लेकर हम उनके साथ ऐसे राइटिंग करवाएंगे उनके लिए हम बाकी हिंदी की क्लास चलवाएंगे वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर होंगी तो जो बच्चे वन से लेकर वन टेन से ऊपर के बैठे होंगे तो मैं ये कहूंगा कि वन टेन वन वाले तैयारी करना स्टार्टिंग करेंगे लेकिन एक दो तो दिन के बाद अभी अभी कुछ नहीं करना है राइट तो कोशिश ये है कि आ, उनका मेंस के लिए भी हम अपने टीम के माध्यम से आपको कोऑर्डिनेट करेंगे ठीक है तो चलिए आज की चर्चा यहीं पर ऑफ करते हैं खुश रहिएगा है मस्त रहिएगा और कितने लोगों को हमारी क्लासेस से हेल्प मिली एक बार जरूर कम, कर, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर वाकई में हिंदी से भी काफ़ी हेल्प मिली और जीत से भी काफ़ी हेल्प मिली जैसा कि जो आपने दो क्वेश्चन देखे होंगे जनगणना के दो तीन तीस प्रश्न जो है डायरेक्टली मिले होंगे रीजनिंग की सिर्फ दो क्लास ली थी मैंने दोनों क्लासों से तो तो देखा होगा कैलेंडर के क्वेश्चन हैं है ना क्लोक के क्वेश्चन हैं एंड देन डायरेक्शन का क्वेश्चन है इवन ट्रेंगल का ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो यानी दो दो क्लासेस से हमने काफ़ी कुछ देखा होगा हो नीचोड़ने का प्रयास किया हो राइट ठीक है तो काफ़ी सबको हेल्प मिला होगा बाकी सब लोग कल से जुड़ते हैं पीसेस के साथ आई के साथ बैचेस यहाँ लगातार चल रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं और फिर खुल के खेलते हैं कल से ऑल द बेस्ट